हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं औजा का तरफ से 250 वाट का एम्पलीफायर और दो 200-200 वाट का दो स्पीकर का बारे में बताएंगे। कुछ भाई लोगों का कमेंट था कि स्पीकर बहुत जल्दी जल जाता है, ऐसा सा कुछ कुछ कमेंट आ रहा था, इसलिए हमें वीडियो मेरे को बनाना पड़ा। आज का वीडियो में बताएंगे क्यों जल रहा है, कैसा इस्तेमाल करना चाहिए आपको। आप स्पीकर यूज़ करें, 200 वाट का स्पीकर, सिर्फ एक स्पीकर आप इस एम्पलीफायर में यूज़ करेंगे, बहुत बढ़िया अच्छा तरीका सा रन करेगा। और आप दो स्पीकर इसमें डालेंगे 200-200 का, इसको लोड सही से नहीं मिलेगा, आपका स्पीकर पटने लगेगा, बहुत जल्दी जल जाने का चांस है आपको। और सेकंड बात है, आपको इस दोनों स्पीकर को चलाना है, आप 120 वाट्स का स्पीकर डाल के आप इस एम्पलीफायर में रन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। और आपको एक ही स्पीकर चलाना है तो इस एक स्पीकर 200 वाट का आप डाल सकते हैं, 250 वाट का भी चला सकते हैं। और एक बात, आप दो नेटवर्क बोर्ड जरूर यूज़ करना आप दोस्तों, नेटवर्क बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे बहुत जल्दी जलने का चांस है, उससे थोड़ा बहुत बचने का चांस है। और कुछ कुछ भाई लोगों को पता नहीं कि ओम्स क्या होता है, और एक स्पीकर आप डालते हैं सेम्पलीफायर में वो होता है आपका 8 ओम्स, और आप दो स्पीकर डालते हैं आपका बनता है 4 ओम्स। 4 ओम्स में डालने के बाद आपका फुल लोड मिलता है। कुछ कुछ भाई लोगों को पता नहीं, आप एक ही में डाल देते उसका वजह से भी जलने का चांस है, आप लोग कोई कोई क्या ज़्यादा वाट्स का डाल देते उसमें भी जलने का चांस है, इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों। और आपको अभी इसे चला के दिखाते कि एक स्पीकर में कैसा रन कर रहा है, दोनों स्पीकर का लाइन दे चुका हूँ, अभी इसे हम लोग चेक करेंगे दोनों स्पीकर का साउंड कैसा डिफरेंट। पहले एक स्पीकर का साउंड दिखाया, अभी दोनों स्पीकर का साउंड आपको दिखा रहा हूँ, कैसा साउंड क्लियर आ रहा नहीं आ रहा, आप हेडफोन डाल के जरूर चेक करेंगे। थोड़ा साउंड ब्रेक है, थोड़ा कम आ रहा है एक में, मतलब थोड़ा लो साउंड आ रहा है, मगर दोनों स्पीकर चल जाएगा, मगर कोई ना कोई दोनों में से एक स्पीकर का लाइन उड़ जाएगा, कॉइल कट जाएगा, इस तरह चलाना नहीं चाहिए। हम लोग जितना हो सके उतना कम वाट्स का यूज़ करिए, एम्पलीफायर के हिसाब से यूज़ करिए आप भी, आप कुछ भाई लोगों को तो पता ही होगा। और इसी तरह वीडियो लेके आते रहूँगा भाई, आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।